बेम्बू ट्री का नाम सुना है? यस सर। बेम्बू ट्री, राइट। सो ये बेम्बू ट्री भी इसी की फैमिली का है, बेम्बू ट्री भी इसी की फैमिली का है। और बड़ी इंपॉर्टेंट आज मैं बात बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी है फर्न एंड ए बेम्बू ट्री की? हैव यू एवर हर्ड ऑफ? नहीं सुनी है। सो आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्न एंड ए बेम्बू ट्री की। एक व्यक्ति था, वो बड़ा परेशान हो गया, अपनी लाइफ से परेशान हो गया। उसको बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ जीतना था, वो कर नहीं पाया। वो जो काम करता था वो क्या हो जाता था? बेकार हो जाता था। और वो फेलियर की तरफ जाता जा रहा था, बार बार फेलियर की तरफ जाता जा रहा था। इतने सारे फेलियर्स थे उसकी लाइफ में, इतने सारे फेलियर्स थे कि उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वन फाइन डे जो है, कई साल बीतने के बाद, उसने क्या किया, एक जगह जाके बैठा और वहाँ पर ग्रास थी, कुछ फर्न्स लगी हुई थी और साथ में कुछ बेम्बू के ट्रीज भी थे। वो उस जगह जाके बैठा और सिर्फ रो रहा था, परेशान हो रहा था और वो सोच रहा था कि लेट अस एंड द लाइफ, मुझे ख़त्म कर देना चाहिए अपने आप को, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। अब ये बात वो जब सोच रहा था तो ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं भगवान को ही बुला लूँ, उसी ने तो ये सब बनाया है, क्यों ना मैं उसी को बुला लूँ, उसी से मैं पूछ लूँ कि आखिर ये क्या माजरा है, ये क्या प्रॉब्लम है कि मुझे इतनी दिक्कतें, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने रिजेक्शंस, इतने नोज मेरी लाइफ में क्यों हैं, और बाकी को मैं देखता हूँ वो तो बड़े खुश होते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं, मेरे साथ में ही क्या प्रॉब्लम है, जबकि मैंने इतनी मेहनत करी है, सब कुछ किया है। तो उसने ज़ोर ज़ोर से चीख के भगवान को बुलाना शुरू कर दिया। अचानक क्या हुआ कि उसके पास सामने से, पीछे से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर, क्या प्रॉब्लम है? उसने चारों तरफ देखा तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया, तो वो समझ गया कि लगता है शायद भगवान आ गए। बोले सामने आओ, मेरे सामने आके बात करो, आज तो मैं बस देख लूँगा आप कौन हो, आपने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, या तो मैं रहूँगा या आप रहेंगे। तो उस दिन क्या हुआ कि भगवान जी भी सामने आ गए, जैसा वो रूप देखना चाहता था वैसे रूप में वो सामने आ गए। सामने आके वो कहने लगे, बताओ क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं प्रॉब्लम ये है कि इतना टाइम हो गया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना परेशान हूँ, आपको समझ नहीं आता, वो देखो सामने कुछ लोग मर्सिडीज चला रहे हैं, वो देखो सामने वो हमेशा फर्स्ट आ रहे हैं, वो देखो सामने हमेशा उनके पास तो खूब पैसे रहते हैं, वो खूब मस्ती करते हैं, और मैं कितना काम कर रहा हूँ, मेरा कोई काम ही नहीं चल पा रहा है, मैं इतना प्रॉब्लम में हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे आस पास ही इसका जवाब छुपा है। बोलता कहाँ छुपा है? बोलते जहाँ देखो वहाँ तुम्हारे को इसका जवाब मिल जाएगा। उसके आसपास कुछ फर्न्स लगी हुई थी, कुछ बैम्बू, बोले ये बांस के पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं और ये क्या मुझे जवाब देंगे, ये घास, ये घास फूस, ये क्या मुझे जवाब देंगे? बोलते यही आपका जवाब है। बोलता क्या, मैं समझ नहीं पाया, मुझे आप बताएं। तो वो कहते हैं देखो इसको ध्यान से, ये जो फर्न्स हैं, ये फर्न्स जो होती हैं, ये बीज जब बोया जाता है तो ये तुरंत निकल आती हैं, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन निकल आती हैं। कभी भी आप बीज बोएंगे तो आपको तीन चार दिन में, आप कभी वो बाजरा, और वो जब हम नवरात्र मनाते हैं तो कुछ हम वो बोते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तीन चार दिन में ही बीज के कल्ले आ जाते हैं और वो पेड़ निकल आता है। लेकिन ये जो बेम्बू ट्री है, ये जो इतने आप देख रहे हो 100 फिट पे खड़ा है, ये 100 फिट पे जो बेम्बू ट्री खड़ा है, ये जब बीज हम बोते हैं तो उसको जब पानी दिया जाता है, पहले साल जिसने पानी दिया उसमें देखा तो कुछ नहीं निकला, पहले साल कुछ नहीं निकला, दूसरे साल कुछ नहीं निकला, 3 साल तक पानी देते रहे कुछ नहीं निकला, 4 साल तक पानी देते रहे कुछ नहीं निकला, 5 साल, 5वें साल उसमें धीरे से कुछ अंकुरित हुआ और वहां से निकलना शुरू हुआ। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ? कोई जवाब देगा ऐसा क्यों हुआ, इतना समय लग गया? क्योंकि उन 4 से 5 साल में वो जो बेम्बू ट्री था वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, वो अपने अंदर से अपने आप को मजबूत कर रहा था, वो बाहर नहीं निकला था। और 5वें साल वो बेम्बू ट्री निकल के बाहर आया और विद इन 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीने के अंदर वो 100 फिट बड़ा हो जाता है। एंड दैट्स द ट्रुथ, दैट्स द फैक्ट। हमारी लाइफ में, हमारे ही पास में बहुत सारे जवाब मौजूद होते हैं और हमको खुद नहीं पता होते। ये बहुत बड़ा ट्रुथ है।
कि अगर हम बेम्बू ट्री को देखेंगे तो वह 100 फीट बड़ा होता है, 6 महीने में 100 फीट इतनी स्पीड से, और जबकि उसको 4 साल लग गए निकलने में बाहर, तो वह अपनी जड़ें मजबूत करता है। इसीलिए आज का जो मेरा आप लोगों को बताने का एक सिंपल सा लेसन था कि ये जो टाइम है ना आपका, आपको हर, आप अपनी एज में अभी भी सोचते होगे कि अचानक मेरे पास हेलीकॉप्टर आ जाए, अचानक मैं इतना बड़ा इंसान, मैं फ्लाइंग बॉयंसी में, अपने इमेज आपकी इमेजिनेशन में होता होगा, होता है नहीं होता, हाथ खड़ा करके बताओ। वेरी गुड, वाओ। सो दैट मींस आप सब इमेजिन करते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा हो जाए आपके साथ में। ये बड़ा एक दिन में नहीं होगा, अभी जो समय चल रहा है ना आपका, ये जो 4 साल 5 साल है, इन 5 सालों में आप अपने आप को मजबूत कर लो। आप उतनी मजबूती ले आओ अपने अंदर कि आपके अंदर एक एक चीज, चाहे हम बात करते हैं, अभी हम मजाक की बात नहीं करते, हम लोग बहुत सीरियस बात करते हैं, इसको इग्नोर मत करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कि हम अगर रीजनिंग की बात करते हैं, हम आपसे वोकैबुलरी की बात करते हैं, हम आपसे जीके की बात करते हैं, न्यूज हेडलाइंस डिस्कस करते हैं, ये सारी चीजें आपको इक्विप कर रही हैं, आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो। जिस टाइम पर आपका टाइम आएगा, आप निकल के बाहर आओगे, यू विल फ्लाई, आपको टाइम नहीं लगेगा टॉप पे पहुंचने में। दैट इज द मोरल ऑफ द डिस्कशन। सो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड जो मैं आपको बताना चाहता था इन शॉर्ट। क्यों लक्ष्य, गॉट इट? गुड। एनीबडी जो जिसको समझ में नहीं आया हो, एवरीबडी गॉट इट? यस। स्वास्तिक क्या समझ में आया? जब सही समय आएगा, जब सही समय आएगा तो क्या होगा, अपने आप टॉप पे पहुंच जाओगे। क्यों?